नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक पे। भारत दस्तक भोजनों की हर खबर आपके घर तक। तो गाइस, एक दो बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। पहली खबर है मायावती जी को लेकर। मायावती जी ने भाजपा और सपा को टारगेट करते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टी एक ही थाली की छट्टी भट्टी है। ये दोनों जो पार्टी है, भाजपा और समाजवादी पार्टी, इन दोनों का अंदर से गठबंधन है और ये जानबूझकर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने स्लोगन दिया है कि इस बार सपा 400 के पार, तो मायावती जी का कहना है कि अखिलेश यादव जी कुछ भी बोल सकते हैं, अगर उनको 1000 सीटें भी दी जाए तो वो भी कम है। यानी कि मायावती जी साफ साफ ये टारगेट कहना चाह रही है कि अखिलेश जी के बस की नहीं है कि वो इस बार का चुनाव जीत पाए या मुख्यमंत्री बन पाए। बाकी जनता जनार्दन की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर जाके आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अगली जो खबर निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और आज समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को लेकर। तो चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान ऐसा है दोस्तों जो आपको खुश भी कर सकता है और आपको ये भी हो सकता है कि आप ये बोलो कि राजनीति में ये चीज जरूरी भी है, क्योंकि हाँ, उन्होंने कहा है भोजन हिताय भोजन सुखाय। जैसा कि माननीय काशीराम साहब ने जो स्लोगन दिया था, जो बहुजन समाज हमेशा स्लोगन मानते हुए आया है, भोजन हिताय भोजन सुखाय। तो चंद्रशेखर जी का कहना है कि मैं अपनी पार्टी से जितनी भी टिकट दूंगा सभी बहुजनों को दूंगा, सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को दूंगा। यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यानी सवर्ण जातियां है उनको एक भी टिकट नहीं दूंगा। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे उस पर उन्होंने लाइव कहा है कि मैं सवर्ण समाज को उनकी पार्टी से यानी कि आजाद समाज पार्टी से सवर्ण को एक भी टिकट नहीं मिलेगा, जितने भी टिकट मिलेंगे सभी बहुजनों को मिलेंगे, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी आ जाते हैं उनको टिकट मिलेगा, लेकिन एक भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है कि उनका कहना है कि मैं भोजन हिताय भोजन सुखाय की राजनीति पे ही अटल रहूंगा और किसी भी सवर्ण को टिकट नहीं दूंगा, ना ही अंदर आन दूंगा। तो आप इस राजनीति को लेकर, चंद्रशेखर की इस राजनीति को लेकर क्या बोलते हो, क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, जाके कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारत दस्तक भोजन की हर खबर आपके घर तक। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।